Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. This is our revision class. In this class, we will do the revision from chapter 1 to 5. ये हमारे मैथ्स का मैं रिविजन करा रही हूँ बच्चों आपको. इसमें जो भी हमारे हाफ ईयरली का पोर्शन है वो हम कवर अप करेंगे. ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि हमें पेपर कैसे देना है. सबसे पहले हमें क्या लिखना है, जो मैंने आपको PA1 में फॉर्मेट सेंड किया था वही फॉर्मेट में आपको फिर से सेंड करूँगी. तो सबसे ऊपर आप अपने स्कूल का नेम डालेंगे, देन आप डालेंगे कि आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन है, तो आप हाफ ईयरली एग्जामिनेशन डाल के आपका नेम लिखेंगे. आपको फिर आपको अपना नेम के बाद आप अपने फादर का नेम लिखेंगे, देन आपकी क्लास लिखेंगे, और लास्ट में आपका जो भी सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट का आपका एग्ज़ाम है वो सब्जेक्ट आपको यहाँ मेंशन करना है. जैसे अगर मैथ्स का एग्ज़ाम है तो मैथ्स लिखेंगे. सभी को फादर्स नेम लिखना कंपलसरी है, ठीक है. नेम, फादर्स नेम, क्लास, सब्जेक्ट, ऊपर अपने स्कूल का नाम लिखकर फिर आपको, जैसे आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन है तो आप ऐसे लिख देना हाफ ईयरली एग्जामिनेशन. ओके, ये सब मैं आपको सेंड करूंगी फॉर्मेट, तो सभी को ये फॉर्मेट लिखना कंपलसरी है. ओके, देन आपको अपना पेपर लाइन बाय लाइन सॉल्व करना है. हेडिंग 1 डालेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे, हेडिंग 2 डाल के उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है. चलिए मैं आपको चैप्टर 1 से एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर रही हूँ. इसमें मैंने थोड़ा थोड़ा पोर्शन रिविजन में अपन कवर अप करेंगे. इस वीडियो को आप सभी लोग देखें ध्यान से तो आपको समझ आ जाएगा कि हमें एग्ज़ाम कैसे देना है. ओके, सबसे फर्स्ट में बच्चों हमारे है, सबसे पहले हमें 3 डिजिट के नंबर इस चैप्टर में बताए गए हैं, ठीक है. इस साल हम 3 डिजिट तक के नंबर को स्टडी करेंगे. ओके, सबसे पहले हमें नंबर नेम आना चाहिए. नंबर नेम कैसे लिखते हैं, जैसे कि मैंने लिखा 118, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, 118. 8 किस प्लेस पे है, 1's प्लेस पे. 1 है 10's प्लेस पे, और ये वाला 1 है 100 प्लेस पे, ठीक है. तो 100 और 8 कितना होगा, 18, तो 118. ओके, मैंने लिखा 224, ये है 1's प्लेस पे, तो 200, ये 1's प्लेस पे है, ये 10's पे है, और ये 100 पे है, 224, ठीक है. तो ये नंबर नेम सभी को आने चाहिए. जो भी नंबर लिखा है, जो हम बोल रहे हैं वही उसका नेम हो गया, मतलब 224, ठीक है. अगर मैंने आपको नंबर दिया है तो आपको उसका नंबर नेम लिखना है, और नंबर नेम लिख के दिया है तो उसका नंबर लिखना है फिर आपको, ठीक है. नेक्स्ट देखिए, नाउ व्हाट कम्स बिफोर एंड व्हाट कम्स आफ्टर एंड बिटवीन. ओके, आफ्टर, बिटवीन और बिफोर देख लीजिए उसमें क्या करते हैं. उसमें जैसे मैंने आपको कोई भी नंबर दिया है 257, मैंने इसके बाद ब्लैंक दिया, मतलब इसके आफ्टर वाला नंबर लिखना है, मीन्स बाद वाला नंबर. 257 के बाद क्या आएगा, 258. मैंने जस्ट इसके पहले ब्लैंक दे दिया, इसके पहले क्या आएगा, 256, ठीक है. और मैंने जैसे लिख दिया 123 ब्लैंक 125, मतलब इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर आएगा, 123, 124 एंड 125. आगे ब्लैंक दिया है बाद वाला नंबर, पहले ब्लैंक दिया है बिफोर वाला नंबर, ठीक है. तो ये आफ्टर का एक बिफोर का. नाउ कंटिन्यू बाय फॉरवर्ड काउंटिंग. जैसे दो नंबर लिख दिए मैंने, जैसे 223, 224, इसके बाद मैंने बहुत सारे ब्लैंक दे दिए, तो इसको फॉरवर्ड काउंटिंग में कंप्लीट करने का बोला है. तो इसके बाद जो भी काउंटिंग आएंगी, 225, 226, 227, 228, ऐसे हमें कंप्लीट करते जाना है. बैक काउंटिंग का बोला है, अगर मैंने जैसे 289 लिख दिया मैंने, 288, तो बैक काउंटिंग में लिखते जाएंगे 287, 286, 285, 284, ठीक है. तो ये हमें बैक में बोला है तो हम बैक में लिख देंगे, फॉरवर्ड काउंटिंग में बोला है तो फॉरवर्ड काउंटिंग में लिख देंगे. ओके, नाउ प्लेस वैल्यू. प्लेस वैल्यू क्या होती है, मैंने बताया हर एक नंबर की, डिजिट की, उसकी वैल्यू होती है.
ठीक है, तो 3 डिजिट का नंबर है, उसमें मैंने कौन कौन सी बताई, वंस, टेंस, हंड्रेड। जैसे मैंने लिखा है 596, ठीक है, 6 किस प्लेस पे है बच्चों, वंस प्लेस पे, 9 जो है वो टेंस प्लेस पे, 5 जो है वो हंड्रेड प्लेस पे। तो 6 की प्लेस वैल्यू होगी 6, 9 की होगी 90, 5 की होगी 500। और एक और सिंपल सा फंडा है इसको लर्न करने का, प्लेस वैल्यू लिखना है, हमसे बोला 6 की लिखो, तो 6 के बाद कितने नंबर है, एक भी नंबर नहीं है, तो उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, 6। 9 के बाद कितने नंबर है, 1 नंबर है, तो 9 की प्लेस वैल्यू 90, मतलब एक जीरो लग जाएगा 9 के बाद। 5 के बाद 2 नंबर है, तो 5 के बाद हमने 2 जीरो लगा दिए। प्लेस वैल्यू हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बट एक समझना है कि ये क्या होती है। तो ये वंस प्लेस पे है तो इसकी 6 होगी, ये टेंस पे है, 10 में 10 होती है ना, इसलिए हमने इसमें 10 लगाई है, और ये 100 प्लेस पे है, 100 में 2 जीरोस होती है, इसलिए हमने 5 के आगे 2 जीरोस लगाई है। ठीक है, अब एक्सपेंड कैसे करते हैं, ठीक है, अब एक्सपेंड करना देखिए, जैसे मैंने लिखा है 212, ठीक है, तो 200 प्लस ऐसे लिखना है, 2 तो 100 है, 200 110 है प्लस 2 वंस है, ये क्या हो गया, ये एक्सपेंड हो गया। ठीक है, और अगर शॉर्ट में लिखना है, ऐसे हमें एक्सपेंड करके दी जाए, जैसे 300 प्लस 60 प्लस 2, तो शॉर्ट में लिखना है तो 362। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप कंपैरिजन, कंपैरिजन कैसे करते हो, ग्रेटर देन और लेस देन का साइन ही आपने फर्स्ट क्लास में भी पढ़े होंगे, बट आपने उसमें 2 डिजिट तक या 100 तक के नंबर्स को आपने उसमें स्टडी किया होगा। अब हम अब हम 3 डिजिट के नंबर में हम कैसे ग्रेटर देन और लेस देन के साइन लगाएंगे ये देखते हैं। जैसे मैंने लिखा है 170 ब्लैंक 270, ये साइन होता है एक, ये साइन होता है और इक्वल्स टू। अब जिस साइड माउथ ओपन रहता है वो वाला नंबर क्या रहता है, बड़ा रहता है। ओके, ये वाला नंबर बड़ा है, 170 से 270 बड़ा है, तो हम ये वाला साइन लगाएंगे। ये कौन सा होता है बच्चों, लेस देन का, 170 लेस देन 270, यहाँ जैसे लिख दिया 218, यहाँ लिख दिया 212, तो अब इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, ये वाला, तो अब ये वाला साइन लगाएंगे, इस तरफ माउथ ओपन करेंगे। जो नंबर बड़ा होता है उस साइड इस एरो का साइन ओपन होता है। ठीक है, तो 218 इज ग्रेटर देन 212, और अगर मैंने लिख दिया 300 ब्लैंक 300, तो ये दोनों क्या है, इक्वल हैं, तो ये इक्वल्स टू का साइन लगा देंगे। ठीक है, तो ऐसे हम कंपैरिजन करना है ना। अगर मैंने बोल दिया कि आपको बहुत सारे नंबर दे दिए, फिर आपको बोला कि उसमें से आपको एक सबसे छोटा नंबर लिखना है और उसमें से ही जो सबसे बड़ा है वो नंबर लिखना है, तो कैसे लिखेंगे बच्चों, वो हम देखिए। जैसे मैंने लिख दिया 189, 125, 322, 160, 115, इन सब में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा क्या है, 115, तो मैंने बोला स्मॉलेस्ट नंबर लिखो, तो आप स्मॉलेस्ट नंबर डाल के लिख दोगे 115। ठीक है, फिर मैंने बोला ग्रेटेस्ट नंबर लिखो, तो ग्रेटेस्ट नंबर डाल के आप क्या लिख दोगे, कौन सा है, ये है ग्रेटेस्ट, 322। ओके, स्मॉलेस्ट बोला सबसे छोटा लिख दिया, ग्रेटेस्ट बोला मीन सबसे बड़ा नंबर लिख दिया। इसके बाद देखिए, अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें नंबर्स को कैसे अरेंज करना है, तो हमें बहुत सारे नंबर दे दिए, सपोज हमें यही नंबर दे दिए, अब क्या बोला है हमें असेंडिंग ऑर्डर, तो इसका असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर मीन छोटे से बड़ा, इसमें हमें सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखना है, फिर उससे बड़ा, देन सबसे बड़ा, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 115, फिर उससे बड़ा 125, देन 160, देन 189, लास्ट में 322। ठीक है, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा और सबसे बड़ा, ये असेंडिंग हो गया। इसी का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर।
देखिए सबसे बड़ा कौन सा है, 322, 189 है, फिर 160 है, 125 है और 115 है। ये क्या हो गया, ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। ठीक है, नाउ अब सेकेंड यूनिट में आपको इवन और ऑड नंबर करना है। तो इसमें दो हेडिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट द नेक्स्ट इवन नंबर या राइट द नेक्स्ट ऑड नंबर। कोई भी नंबर दूंगी उसका नेक्स्ट आपको या तो इवन नंबर लिखना है या फिर ऑड नंबर लिखना है। जैसे कि मैंने आपको दे दिया 22, इसका नेक्स्ट इवन नंबर लिखने का बोला, तो 22 के बाद 23 आएगा। 23 तो क्या है, ऑड नंबर है, तो 23 के बाद क्या आएगा, 24। तो 24 क्या है, इवन नंबर है। ठीक है, मैंने बोल दिया 13 के बाद का ऑड नंबर लिखो, तो 13 के बाद 14 आएगा जो कि क्या है, इवन है। इसके बाद क्या आएगा, 15, तो 15 क्या होगा, ऑड नंबर। उसके जस्ट, जैसे आपको कोई भी ऑड नंबर दिया है और उसके जस्ट बाद वाला ऑड नंबर आपसे पूछे, तो मतलब एक नंबर स्किप करके आप आगे वाला नंबर लिख देना। ठीक है, नेक्स्ट इवन पूछा है तो एक नंबर स्किप करके नेक्स्ट इवन लिख देना, और उसका नेक्स्ट ऑड पूछा है तो उसके बाद ऑड नंबर लिख देना। ठीक है, अब आपको बोला है फिल इन, सभी को ऐड द फॉलोइंग, एडिशन वाली है हमारी यूनिट है थर्ड, इसमें आपको एडिशन आने चाहिए। ठीक है, सिंपल एडिशन और कैरी वाले एडिशन, दोनों तरह के एडिशन सभी को आने चाहिए। सिंपल एडिशन तो सभी को आते हैं, चलिए देखें हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि ये 342 प्लस 317, ठीक है, नंबर के नीचे नंबर लिखेंगे सभी। आप अपनी कॉपी में जब सॉल्व करें, अगर आपकी ब्लॉक वाली कॉपी है, अगर आप ब्लॉक वाली कॉपी में सॉल्व करके सेंड कर रहे हैं, तो आपको कैसे सॉल्व करना है, नंबर लिखा है 342, एक ब्लॉक में एक नंबर लिखेंगे 317, प्लस करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, 2 + 7 करेंगे। अब देखो ब्लॉक के नीचे ब्लॉक, हर ब्लॉक में आप प्रॉपर नंबर लिखेंगे तो आपको ऐड करने में भी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अगर आप सिंपल कॉपी में भी दे रहे हो, सिंपल लाइनिंग वाली में भी, तो नंबर के नीचे नंबर लिखेंगे, जैसे कि 342 प्लस 317, जिस नंबर के नीचे जो नंबर है वही नंबर आपको लिखना है। 2 + 7 कितना होगा, 9, 4 + 1 5, 3 + 3 6, ठीक है, नंबर के नीचे नंबर लिखो और सिंपल उन्हें प्लस करते जा। ऐसे ही कैरी वाले भी इसी तरीके से सॉल्व होंगे। देखिए कैरी वाले देखते हैं हम, कैरी वाले एडिशन जैसे कि हमें दिया है 418 प्लस 283, मैं ब्लॉक बना के ही बता देती हूँ आपको, यहाँ मैंने कैरी के लिए स्पेस ले लिया है। ठीक है, फिर मैंने लिखा है 418 एंड 283, प्लस करना है, नंबर के नीचे नंबर लिखेंगे, लाइन भी ड्रॉ करेंगे, 8 + 3 11 होगा, 11 का 1 यहाँ रहेगा और आगे का 1 जो है वो आगे कैरी हो जाएगा, 1 + 1 फिर वो इसमें ऐड हो जाता है, 1 + 1 2, 2 + 8 10, 10 का 0 यहाँ लिखेंगे, आगे वाला 1 कैरी कर देंगे, 1 + 4 5, 5 + 2 7, ऐसे हमें कैरी वाले नंबर्स को ऐड करना है। नाउ सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन देखिए सिंपल वाले सब्ट्रैक्शन बताती हूँ मैं आपको, जिसमें कोई भी कैरी का वर्क नहीं है। तो लिखने का तरीका आप सभी को समझ आ गया कि एक ब्लॉक में एक नंबर आपको लिखना है, जिससे आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे 583 माइनस 271, 3 में से 1 जाएंगे, पीछे से स्टार्ट करना है हमें हमेशा, 3 में से 1 जाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों, 2, 8 में से 7 जाएंगे तो 1, 5 में से 2 जाएंगे तो 3, आंसर कितना आया हमारा 312। ठीक है,
हमें पीछे से माइनस करना स्टार्ट करना है और हर एक नंबर में से एक नंबर को माइनस करते जाना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कैरी वाले आप सब्ट्रैक्शन देखिए, जैसे दिया है 693 माइनस 354, इसमें से हमें माइनस करना है इसको। क्या 3 में से 4 चले जाएंगे? नहीं जाएंगे, 3 छोटा है 4 बड़ा है, तो क्या हो जाएगा 3 का, क्या हम इससे 1 बोरो कर लेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 13, इसने अपना मैंने इसको दिया, यहाँ कितना होगा 8, 13 में से 4 जाएंगे तो 9 बचेंगे, और 8 में से 5 जाएंगे तो 3 बचेंगे, और 6 में से 3 गए तो 3 रिमेनिंग बचेंगे, ठीक है। तो ये क्या हमारा ये आंसर आ गया, ओके। इस वाले नंबर में से इस वाले नंबर को माइनस करेंगे तो हमें ये मिलेगा, ओके। नाउ मल्टीप्लाई देखिए, मल्टीप्लाई के लिए सभी बच्चों को 10 तक टेबल लर्न होना चाहिए, मैंने आपको पहले भी बोला था, और टेबल एग्ज़ाम में भी आ सकती है, मैं आपको टेबल लिखने भी दे सकती हूँ, तो सभी को 1 से लेकर 10 तक की टेबल लर्न होना है। टेबल लिखने का तरीका देखिए, कोई भी ऐसे नहीं लिखेगा कि 2 1 2 2 2 4, 2 3 6 या 2 4 8, नहीं, कोई भी बच्चा ऐसे टेबल नहीं लिखेगा। जिसने भी ऐसी टेबल लिखी अगर एग्ज़ाम में, तो उसके नंबर कट कर दिए जाएंगे। सिर्फ अगर 4 नंबर की या 5 नंबर की, जितने नंबर की भी मैं टेबल दे रही हूँ, उसमें से मात्र आपको एक नंबर मिलेगा, ठीक है। टेबल आपको इस तरीके से लिखना है, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, इस तरीके से आपको टेबल लिखना है, जिसकी भी मैं टेबल आपको बोलूँगी, ठीक है। ना आता है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के लिए टेबल आप अगर लर्न कर लेंगे तो आपको बहुत इजी रहेगा। सबसे पहले सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, जैसे दिया है 242 का मल्टीप्लाई हमें 2 से करना है, ठीक है। 2 का 2 से किया, 2 2 ये भी पीछे से होंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, तीनों चीज़ें हमें पीछे से स्टार्ट करना है। 2 2 4, 2 4 8, 2 2 4, ठीक है, कितना हो गया 484। ये बिना कैरी वाले बिल्कुल सिंपल एडिशन थे। जैसे 312 का मल्टीप्लाई हमको 3 से करना है, 3 2 6, 3 1 3, 3 3 9, लाइन बाय लाइन इस नंबर का सारे डिजिट से मल्टीप्लाई होगा। इसके बाद देखिए कैरी वाले कैसे रहेंगे, जैसे मैंने लिख दिया 178 × 5, फाइव का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे, 5 8 40, दो डिजिट में नंबर आ रहा है, 0 यहाँ लिखेंगे, 4 आगे कैरी कर देंगे, 5 7 35, 35 + 4, 39, 39 का 9 यहाँ लिखेंगे और 3 कैरी कर देंगे, 5 1 5 + 3 8। जैसे हम ऐड में कैरी करते जाते हैं, तो इसमें भी पहले मल्टीप्लाई करके फिर वो कैरी को ऐड कर देंगे। एक और देखिए, 147 × 6, 147 का मल्टीप्लाई हमें 6 से करना है, 6 7 का कितना होगा 42, 2 को यहाँ लिखेंगे, 4 कैरी कर देंगे, 6 4 24, प्लस 4 28, 8 को यहाँ लिखेंगे, 2 आगे कैरी कर देंगे, 6 1 6, प्लस 2 8, 882, ठीक है। 2 डिजिट का नंबर आएगा, यूनिट प्लेस वाला नंबर हमको यहाँ लिखना है, टाइम्स प्लेस वाले नंबर को हमें आगे कैरी कर देना है, ठीक है। अब वर्ड प्रॉब्लम्स देखिए, तीनों चैप्टर्स के वर्ड प्रॉब्लम्स में क्या है बच्चों, कि हमें बोलेंगे अगर टोटल पूछेंगे तो हमें प्लस करना है, ये पूछेंगे कि हमें इतनी चीज़ थी इसमें से इतनी चीज़ कम हो गई है, तो अब कितनी चीज़ रिमेनिंग है, रिमेनिंग पूछेंगे तो हमें माइनस करना है, और अगर हमें किसी भी एक चीज़ की कॉस्ट बता दी या किसी भी एक चीज़ के बारे में बताया कि ये एक चीज़ इतने की है, हमें इतनी ज़्यादा चीज़ें कितने की मिलेंगी, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। एक एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे फर्स्ट है, वन डे आई बस कैरी 247 पैसेंजर्स एंड ऑन द नेक्स्ट डे इट कैरी 289 पैसेंजर्स, हाउ मेनी पैसेंजर्स वर कैरीड बाय द बस ऑन बोथ द डेज। एक दिन एक बस 247 पैसेंजर्स को ले जाती है,
दूसरे दिन 289 पैसेंजर्स को ले जाती है। तो वो बस दोनों दिन में टोटल कितने पैसेंजर्स को लेकर जाती है? टोटल पूछ रहे हैं तो क्या कर देंगे हम, प्लस कर देंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए। जैसे अ पोस्टमैन डिलीवर्ड 125 लेटर्स इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग में पोस्टमैन 125 लेटर डिलीवर करता है और आफ्टरनून में वो 187 लेटर्स को डिलीवर करता है। तो क्या पूछ रहे हैं, हाउ मेनी लेटर्स डिड ही डिलीवर ऑल टुगेदर? उसने टोटल एक साथ कितने लेटर्स को डिलीवर किया, एक दिन में उसने टोटल कितने लेटर डिलीवर किए? तो टोटल कैसे निकालेंगे हम, प्लस करके। माइनस वाले देखिए बच्चों, माइनस वाले में क्या है, माइनस वाले में है कि उसमें बोला है कि इन अ स्कूल देयर आर 650 स्टूडेंट्स। एक स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं, 650। आउट ऑफ दीज 265 आर गर्ल्स। उनमें से 265 क्या है, गर्ल्स है। तो अब ये बोल रहे हैं कि बॉयज कितने हैं, टोटल नंबर दिया है, उसमें बॉयज बताएं कि इतने बॉयज हैं। अब गर्ल्स कितनी हैं, तो टोटल में से हम बॉयज को माइनस करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि गर्ल्स कितनी हैं। ठीक है, टोटल है हमारा 650 स्टूडेंट्स। ठीक है, उसमें से इन्होंने क्या बोला है, बॉयज कितने हैं बच्चों, गर्ल्स बताइए, 265 इतनी गर्ल्स है। अब बॉयज का नंबर पूछा है, नंबर ऑफ बॉयज, तो वो हम कैसे बताएंगे, माइनस करके। ठीक है, क्या जीरो में से फाइव जाएगा, नहीं जाएगा, वन इससे ले लेंगे 10, 10 में से फाइव गया, कितना बचेगा 5, यहाँ कितना बचेगा 4, क्या 4 में से 6 चले जाएंगे, नहीं जाएंगे, तो यहाँ 1 इससे बोरो करेंगे कितना हो जाएगा 14, और यहाँ कितना बचेगा 5, 14 में से 6 गए तो कितना रिमेनिंग बचेगा 8, और 5 में से 2 गए तो कितना बचेगा 3। ओके, तो मतलब 385 का है, क्या है, बॉयज़ है, और 265 क्या है, गर्ल्स है। तो ऐसे ही हमें सारे सॉल्व करना है। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस करना, और आपको अगर जो भी नहीं आ रहा समझ में तो आप मुझसे डायरेक्टली मैसेज करके पूछ लेना। अब मल्टीप्लीकेशन वाले देखिए, जैसे कि उन्होंने एक क्वेश्चन दिया है, देयर आर 101 टॉयज इन अ पैकेट। एक टॉयज का पैकेट है, उसमें 101 टॉयज है, तो 9 पैकेट में कितने टॉयज होंगे? जैसे कि एक बॉक्स है, उसमें आपके 100 चॉकलेट्स आ रही हैं। ठीक है, तो 5 बॉक्स होंगे तो उसमें कितनी चॉकलेट्स आएंगी, तो 5 बॉक्सेस में कितनी चॉकलेट्स आ जाएंगी आपकी, 500 आ जाएंगी। कैसे हमने फाइंड आउट किया, मल्टीप्लाई करके। तो ऐसे ही हमें यहाँ पे करना है कि उन्होंने बोला है 1 पैकेट में 101 टॉयज है, तो 9 पैकेट में कितने टॉयज होंगे, तो हम जब 101 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारा प्रोडक्ट आएगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, आई होप सो बच्चों आप सभी को ये क्लास आप समझ आई होगी। जिस किसी को जो भी डाउट हो वो मुझसे क्लियर कर ले। थैंक यू सो मच एवरीवन।